गोपियों से माखन चुराने का कुलाहना सुनकर क्रोध करके यशोदा ने रस्सी से श्री कृष्ण को उखल से बांध दिया और स्वयं गोरस बेचने चली गई। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार यशोदा जी दही मथ रही थी और श्री कृष्ण स्तनपान करने के लिए आए। स्तनपान कराते समय यशोदा जी ने उन्हें बीच में ही छोड़ दिया और उभनते हुए दूध को चूल्हे पे रखा जो था उसको उतारने के लिए चली गई। इससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण ने दही की मटकी फोड़ दी और दूसरे घर में जाकर कल वाला माखन खाने लगे और बंदरों को लुटाने लगे। ऐसा करने पर यशोदा जी ने श्री कृष्ण को रस्सी से उखल से बांध दिया और स्वयं घर के दूसरे कामों में लग गए। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यशोदा जी यमुना तट पर स्नान करने के लिए गईं। घर में अकेला रहने पर श्री कृष्ण ने घर में रखा हुआ सभी माखन और दही खा लिया और मटकों को फोड़ दिया। वापस आने पर यशोदा जी मटकों को खाली और फूटा हुआ देख करके क्रोधित हो गईं और श्री कृष्ण को पकड़कर एक वस्त्र से एक अर्जुन के पेड़ से बांध दिया और स्वयं घर के दूसरे कामों में लग गए। गर्ग संहिता के अनुसार यशोदा जी दही मथ रही थीं और श्री कृष्ण ताजा माखन मांग रहे थे। जब उन्हें तुरंत ताजा माखन नहीं मिला तो क्रोधित तो होकर दही का मटका फोड़ दिया और भाग चले। यशोदा जी ने उन्हें पकड़कर रोष पूर्वक रस्सी से एक उखल से बांध दिया और स्वयं घर के दूसरे कामों में लग गए। केवल ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार यशोदा जी ने श्री कृष्ण को वस्त्र से एक अर्जुन के वृक्ष से बांधा था, जबकि दूसरे पुराणों के अनुसार उन्होंने रस्सी से एक उखल से श्री कृष्ण को बांधा था। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार वहां केवल एक ही अर्जुन का वृक्ष था जो नल कुबेर का प्रतीक था, जबकि दूसरे पुराणों के अनुसार वहां दो अर्जुन के वृक्ष थे जो नल कुबेर और मणिग्रीव दो यक्षों के प्रतीक थे। ब्रह्म वैवर्त पुराण और गर्ग संहिता के अनुसार श्री कृष्ण स्वयं यशोदा जी के पास आ गए और पकड़े गए, जबकि दूसरे पुराणों के अनुसार यशोदा जी बहुत प्रयत्न करने के पश्चात बड़ी कठिनाई से श्री कृष्ण को पकड़ पाई थी। ब्रह्म वैवर पुराण के अनुसार नल कुबेर यक्ष रंभा अप्सरा के साथ विहार कर रहा था, जबकि अन्य पुराणों के अनुसार नल कुबेर और मणिग्रीव दोनों यक्ष कुमार बहुत से अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार महर्षि नारद जी ने नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप और वरदान दिया था, जबकि ब्रह्म वैवर्त पुराण एवं गर्ग संहिता के अनुसार महर्षि देवल ने यक्ष कुमारों को शाप दिया था। ब्रह्म पुराण और विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में इस प्रसंग में किसी देव ऋषि के शाप या वरदान का वर्णन नहीं मिलता। गोकुल से वृंदावन गमन। राजा पंचित ने पूछा, मुनिवर भगवान श्री कृष्ण गोकुल महावन, गोकुल का नाम क्या है,
छोड़कर के वृंदावन चले गए थे, उनके गोकुल को छोड़ने का क्या कारण था, ये कथा विस्तार से सुनाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब नंद बाबा आदि बड़े बड़े गोपों ने देखा कि महावन में तो बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं, तब वे लोग इकट्ठे होकर इस विषय पर विचार करने लगे कि अब ब्रजवासियों को क्या करना चाहिए। उनमें से एक गोप का नाम था उपनंद। वे अवस्था में तो बड़े थे ही, ज्ञान में भी बड़े थे। उन्हें इस बात का पता था कि किस समय, किस स्थान पर, किस वस्तु से कैसा व्यवहार करना चाहिए। साथ ही वे यह भी चाहते थे कि राम और श्याम सुखी रहें, उन पर कोई विपत्ति ना आए। उन्होंने कहा, हे भाइयों, अब यहाँ ऐसे बड़े बड़े उत्पात होने लगे हैं जो बच्चों के लिए तो बहुत ही अनिष्टकारी हैं। इसलिए यदि हम लोग गोकुल और गोकुलवासियों का भला चाहते हैं तो हमें यहां से अपना डोरा डंडा उठाकर दूसरी जगह चला जाना चाहिए। भागवत पुराण में भी ऐसा लिखा है। फिर उन्होंने बलराम और श्री कृष्ण को अपने गोद में लेकर कहा, हे नंद, ये तुम्हारा बालक श्री कृष्ण हमको प्राणों से भी प्रिय है। ब्रजवासियों का जीवन है, ब्रज का धन, गोकुल का दीपक है। अपनी बाल लीला से सबके मन को मोह लेने वाला है। बड़े दुख की बात है, इस बालक पर उतना शकटासुर त्रिणावर्त का आक्रमण हुआ, फिर इसके ऊपर वृक्ष गिर पड़े। इन सब संकटों से यह किसी प्रकार बचा है। इससे बढ़कर उत्पात भला और क्या हो सकता है। ये बात गर्ग संहिता में लिखी है। सबसे पहले तो बच्चों के लिए काल स्वरूपिणी हत्यारी पूतना के चंगुल से ये किसी न किसी प्रकार से छूटा। इसके बाद भगवान की दूसरी कृपा यह हुई, इसके ऊपर इतना बड़ा छकड़ा गिरते गिरते पर बचा। बवंडर रूप धारी दैत्य ने तो इसे आकाश में ले जाकर बड़ी भारी विपत्ति मृत्यु के मुख में ही डाल दिया था। परंतु वहां से जब वह चट्टान पर गिरा तब भी हमारे कुल के देवेश्वरों ने इस बालक की रक्षा की। यमलार्जुन वृक्षों के गिरने के समय उनके बीच में आकर भी यह या कोई और बालक, सब बालक बच गए। दोनों पेड़ गिरने से अपने बालक कृष्ण भी बचे और अन्य भी सभी की रक्षा हो गई। इसलिए जब तक कोई बहुत बड़ा अनिष्टकारी अरिष्ट हमें और हमारे ब्रज को नष्ट न कर दे, तब तक ही हम लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने अनुचरों को साथ लेकर यहां से कहीं दूर चले जाएं। और सुनो, कहां चलें? वृंदावन नाम का एक वन है, उसमें छोटे छोटे और भी बहुत से नए नए हरे भरे वन हैं। वहां बड़ा ही पवित्र पर्वत, घास और हरी भरी लता और वनस्पतियां हैं। हमारे पशुओं के लिए तो वह स्थान बहुत ही हितकारी है। गोप गोपी और गायों के लिए वो केवल सुविधाजनक ही नहीं बल्कि रहने के योग्य है। इसलिए यदि तुम सब लोगों को ये बात जंचती हो तो आज ही हम लोग
इस गोकुल को, इस महावन को छोड़ करके और वृंदावन के लिए प्रस्थान करें। उपनंद की बात सुनकर सभी गोपों ने एक स्वर से कहा, बहुत ठीक, इस विषय में किसी की भी दो राय नहीं है। सब लोगों ने अपने झुंड की झुंड गायें इकट्ठी की और छकड़ों पर घर की सब सामग्री लादकर वृंदावन की यात्रा की। हे परीक्षित, ग्वालों ने बूढ़ों, बच्चों, स्त्रियों, सब सामग्रियों को छकड़ों पर चढ़ा दिया और स्वयं उनके पीछे पीछे धनुष बाण लेकर बड़ी सावधानी से उनकी रक्षा करते हुए चलने लगे। उन्होंने गायों और बछड़ों को तो आगे आगे कर लिया, उसके पीछे जोर जोर से बाजे बजाते हुए चले। उनके साथ ही साथ पुरोहित लोग भी वेद मंत्र बोलते हुए चल रहे थे। गोपियां अपने अपने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर श्रृंगार करके केसर से, इत्र से, गले में सोने के हार धारण किए हुए रथों पर सवार थीं और बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के गीत गाती जाती थी। यशोदा रानी और रोहिणी जी भी वैसे ही सज धज कर अपने अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम के साथ एक रथ पर शोभायमान हो रही थी। वे अपने दोनों बालकों की तोतली बोली सुन सुन कर भी थकती नहीं थी और सुनना चाहती थी। ये बात कहां लिखी? भागवत महापुराण में। गोप वृषभानु पर अपनी पत्नी के साथ हाथी पर बैठकर अपनी बेटी राधा को गोद में लेकर गायकों से यशोगान सुनते हुए मदंग ताल वीणा और वेणुओं की मधुर ध्वनि के साथ वृंदावन को गए। उनके साथ भी बहुत से गोप और गौओं का समुदाय था। नंद, उपनंद और छहों वृषभानु अपने समस्त परिकरों के साथ वृंदावन में चले गए। राधा रानी के पिता छह भाई थे तो वो छहों के छहों भी वृंदावन में आ गए। समस्त गोपों ने अपने सेवकों सहित वृंदावन में प्रवेश करके अलग अलग अपनी अपनी गौओं के रहने का स्थान बनाया। छोटी छोटी गौशालाएं, ये नंद बाबा की है, ये वृषभान जी की है, ये उपनंद की है, ये घनानंद की है, सबने अपने अपने गोष्ठ बनाए और इधर उधर निवास आरंभ किया। ये बातें गर्ग संहिता में लिखी है। वृषभानु ने अपने लिए, देखो वृंदावन कहां तक है, बरसाना भी वृंदावन में है, वहीं पे जाके बैठ जाओ, वहीं पे, वहीं सरकाना नहीं तो क्या सुनो, बरसाना भी वृंदावन में है और गोवर्धन भी वृंदावन में है। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना कुलिनानि च भिक्षासिदुत्तमा प्रीति राम माधव योर नृप। जहां पूरा गोवर्धन है यमुना जी तक और ये पूरा वृंदावन, पूरा बरसाना गोकुल को छोड़ कर ये सब का सब वृंदावन है पुराना। इसमें लिखा है कि वृंदावन में जाकर के
वृष भानु जी ने अपने लोगों के लिए वृष भानुपुर बसाया। बरसाना उसी को कहते हैं, बरसाना मतलब वृष भानुपुर। जो चार योजन विस्तृत दुर्ग के आकार में था, एक इतना बड़ा किला था, बहुत बड़े आकार में, चार योजन, चारों ओर उसके खाइयां बनी थी। उस दुर्ग के सात दरवाजे थे, दुर्ग के भीतर विशाल सभा मंडप था, अनेक सरोवर उस दुर्ग की शोभा बढ़ा रहे थे। दुर्ग मने बहुत बड़ा किला, छोटा नहीं। यहां से लेके कैथल जितने दूर, इतना बड़ा, 16 किलोमीटर का। उनके बीच बीच में मनोहर राजमार्ग का निर्माण कराया गया था। 1000 कुंजें उस पुष्प की शोभा बढ़ाती थी। नंद बाबा ने अपने लिए नंदगांव का निर्माण कराया। नंदगांव भी वृंदावन में है, वो भी चार योजन विस्तृत सुंदर भवनों, फूलों के उद्यानों तथा विविध प्रकार के फलदार वृक्षों से सुशोभित था। उसमें नंद भवन इंद्र नील मणि के विचित्र कलशों द्वारा विशेष शोभा पा रहा था। नाना प्रकार के मनोहर राजमार्ग उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। ये बातें गर्ग संहिता में लिखी है। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार विश्वकर्मा ने वृंदावन में आकर सुंदर गोलोक, गोल आकार और मणिमय पर कोटों से युक्त एक रास मंडल का निर्माण किया। जैसा भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आज्ञा दी, वैसा ही रास मंडल विश्वकर्मा जी ने आकर के बनाया, जो सब ओर से एक एक योजन विस्तृत था। उसमें स्थान स्थान पर मणियों की वेदियां बनी हुई थी। मणि आर रचित मंडप उस रास मंडल की शोभा बढ़ाते थे। वे श्रृंगार के योग्य चित्रों से सुसज्जित और सैयाओं से संपन्न थे। नाना जाति के फूलों की सुगंध लेकर बहती हुई वायु उन मंडपों को सुशोभित करती थी। उसमें रत्नमय प्रदीप जलते थे, रत्नों के दिए, स्वर्णमय कलश उनकी उज्ज्वलता बढ़ा रहे थे। पुष्पों से भरे उद्यानों तथा सरोवरों से सुशोभित रास स्थल का निर्माण करके विश्वकर्मा दूसरे स्थान को गए। वे उस रमणीय वृंदावन को देखकर बहुत संतुष्ट हुए। वन के भीतर जगह जगह एकांत स्थान में मन बुद्धि से विचार और निश्चय करके उन्होंने वहां 30 रमणीय एवं विलक्षण वनों का निर्माण किया। वे केवल श्री राधा माधव की ही क्रीड़ा के लिए बनाए गए थे। जैसे निधि वन है, सेवा कुंज है, ऐसे ऐसे विश्वकर्मा जी ने 30 वन बनाए जिनमें राधा कृष्ण खेलेंगे बस, और कोई नहीं जाएगा। वृंदावन बड़ा ही सुंदर वन है, चाहे कोई भी ऋतु हो, वहां सुख ही सुख है। वृंदावन का हरा भरा वन, अत्यंत मनोहर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी के सुंदर सुंदर पुलियों को देख करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम के हृदय में प्रीति का उदय हुआ। कृष्ण और बलराम नंद नगर किसे कहते हैं, नंद गांव को, और वृष भानुपुर बरसाना। इनमें बालकों के साथ खेलते हुए घूमते और गोपांगनाओं की प्रीति बढ़ाते थे।
राजन कुछ दिनों बाद संपूर्ण गोपों के समादर भाजन मनोहर रूप वाले बलराम और श्री कृष्ण वृंदावन में बछड़े चराने लगे। वे दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ गांव की सीमा तक जाकर बछड़े चराते थे। यमुना के निकट उनके पवित्र कुलीनों पर सुशोभित निकुंजों और कुंजों में बलराम और श्री कृष्ण इधर उधर लुका छिपी के खेल खेलते और कहीं कहीं घुटनों के बल चल करके वन में आनंद से विचरते थे। उन दोनों के तटीय प्रदेश में करधने की लड़ियां शोभा देती थी। खेलते समय उनके पैरों के मंजीर और नूपुर मधुर झनकार करते थे। बलराम के अंगों पर तो नीला अंबर शोभा पाता था और श्री कृष्ण के अंगों पर पीतांबर। वे दोनों भाई हार और बाजूबंदों से भूषित थे। कभी बालकों के साथ क्षेपणों जहां ऊंचे मिट्टी के टीले होते उनके द्वारा डले फेंकते और कभी बांसुरी बजाते थे। कभी ग्वाल बाल अपने मुख से अपनी करघनकर ध्वनि के घुंघरुओं की ध्वनि मुंह से निकालते, घुंघरुओं जैसी आवाजें, और ऐसी आवाज निकालते हुए मुंह से और दौड़ते रहते। उनके साथ वे दोनों भाई राम और श्याम, वो भी पक्षियों की छाया, पक्षी ऊपर उड़ते और उनकी छाया पृथ्वी पर चलती, उस छाया को पकड़ने के लिए उसके साथ साथ में भागते सुशोभित होते थे। सिर पर मयूर पिच मोर का पंख लगाकर फूलों और पत्तों के श्रृंगार धारण करते थे। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण साधारण बालकों के समान खेलते रहते थे। ये बात गर्ग संहिता में लिखी हुई है। श्री हरिवंश पुराण के अनुसार ये कथा इस प्रकार है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी से कहा, हे आर्य, अब इस महावन में ग्वाल बालों के साथ खेलना संभव नहीं है। हम लोगों ने इस सारे वन को अपने उपभोग में लाकर इसकी शोभा संपत्ति को नष्ट कर दिया है। यहाँ की घास तो चर ली गई है और लकड़ियां हमने तोड़ फोड़ कर दी। गोपों के ने यहाँ के एक एक वृक्ष को मत डाला, ऊपर चढ़ के कभी उतरे कभी चढ़े कभी उतरे, सब पेड़ पौधों को तोड़ दिया हमने। जो वन और कानन घने थे, बहुत गहरा वन था ये, लेकिन घास तो गौवा ने चर ली और पेड़ हमने तोड़ दिए, अब तो ये सुना सुना हो गया। अब इसको देख करके ज्यादा सुख नहीं मिलता, अब हम दूसरे वन में चलें, जहां नई नई घास मिलेगी और ईंधन भी ज्यादा मिलेगा, हमारी गौएं नई नई घासों को चर सकेंगी जो अब तक चरी नहीं गई हैं। ऐसी ऐसी घासों वाला वन ढूंढते हैं। जो वन धन से संपन्न हो उस वन में चलें, जहां नई घास उपलब्ध हो। सुना जाता है वृंदावन नामक वन बड़ा रमणीय है, वहां बहुत घास मिलती है, वहां के वृक्षों में मीठे मीठे फल लगते हैं, वहां का जल भी अति मीठा है, वहां अधिकता कदंब के वृक्ष ज्यादा हैं। वह वन यमुना के किनारे पर है, उसमें सदा प्रेम और शीतल वायु चलती है, वहां सभी ऋतुओं का निवास है, प्रसाद लोक है। वहां वन बड़ा सुंदर और सुखद है,
वहाँ गोपियाँ बड़े सुख से सब और विचर सकती हैं। वृंदावन के भीतरी भाग में भी दूसरे बहुत से विचित्र एवं मनोहर वन हैं। उसके पास ही सुंदर गोवर्धन पर्वत है। वन के बीच में रमणीय नदी यमुना नदी प्रवाहित होती है। वहीं चलकर इस ब्रज को बसाया जाए, इस गुणहीन वन को छोड़ दिया जाए, हम लोगों को कोई नवीन कारण उत्पन्न करके इन ब्रजवासियों को डराना चाहिए। कृष्ण क्या सलाह दे रहे हैं कि कोई ऐसी लीला करें कि जिनसे हमारे माता पिता डर जाएं और हमारे को दूसरे वन में ले जाएं, वृंदावन में। श्री कृष्ण ने ऐसा कह ही रहे थे कि उनके रोम रोम से 100 से भी ज्यादा 200 400 500 भेड़िए पैदा हो गए। कृष्ण जी के रोम रोम से भगवान ने बलराम की सलाह करके और भेड़िए छोड़ दिए। जो अमिश आहारी थे, मांसाहारी, ब्रज को वहां से उजाड़ने के लिए जब श्री कृष्ण की इच्छा के अनुसार बहुत से भेड़िए प्रकट होने लगे, तब उन्हें देखकर गौओं, बछड़ों, मनुष्यों और गोपियों में, या यूं कहिए संपूर्ण ब्रज में महान त्राही त्राही मच गई। इस प्रकार उन दुर्जेय भेड़ियों को बढ़ते हुए देखकर समस्त ब्रज के स्त्री पुरुषों ने इकट्ठे होकर दूसरी जगह जाने के लिए सलाह विचार किया, मंत्रणा की। सबकी सहमति से सभी लोग वृंदावन के लिए तुरंत चल पड़े। वहां पहुंचकर सारा ब्रज आधे चांद की आकृति में स्थित हो गया। जैसे आधा चांद होता है, ऐसे बस गए सब जाते। बीच के भूभाग की चौड़ाई 1 योजन और लंबाई 2 योजन की थी। बढ़ी हुई नीले कांटे के पेड़ कंटकी तथा शाखाग्र भाग को ऊंचे रखकर गाड़े गए कांटेदार वृक्षों के द्वारा यह ब्रज चारों ओर से सुरक्षित था। मतलब चारों तरफ कांटों की, पेड़ों की बाढ़ थी। बाहर के अब भेड़िया कोई नहीं आ सकता अंदर। जहां भगवान मधुसूदन संपूर्ण विश्व के हित के लिए विराजमान थे, उस वृंदावन में ना तो कभी बछड़े थकते थे, ना गौओं को कोई कष्ट होता था, ना दूसरे लोगों को कभी दुख का अनुभव होता था। सभी लोग उस स्थान में बड़े आनंद से रहने लगे। इस पुराण में वृषभानु और श्री राधा जी की यात्रा का वर्णन नहीं मिलता। किसमें? हरिवंश पुराण में। और बाकी गर्ग संहिता, ब्रह्म वैवर्त पुराण, भागवत पुराण, इन सब में उनका वर्णन साथ साथ में चलता है। वृंदावन में पहुंचकर सुंदर नगरों तथा भवनों का निर्माण भी हरिवंश पुराण में नहीं लिखा। अन्य सब में जैसा आपको सुनाया गया वो सब वर्णन मिलता है। कल को कथा जो आप सुनोगे, आहा, बड़े आनंद की कथा है, वो है राधा जी।